बसपा प्रत्याशी अमन मणि त्रिपाठी का सोनोलू में भव्य स्वागत हुआ। बहुजन समाज पार्टी द्वारा नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में आशीर्वाद लेने के लिए निकले अमन मणि त्रिपाठी को नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में आज जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस क्रम में सोनोली रामजानकी चौराहे में पहुंचे अमन मणि त्रिपाठी का शिवम त्रिपाठी ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। लोगों ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अमन मणि त्रिपाठी, शिवम त्रिपाठी और चेयरमैन गुड्डू खान के साथ सोनोली कोतवाली क्षेत्र के सोनोली नगर सहित जुगोली एवं SSB रोड में भ्रमण कर लोगों से विजय का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, उस आशीर्वाद को लेकर के हम जन जन तक जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, बसपा कार्यकाल में सुशासन की बात बताएंगे। यह सबका मानना है कि पिछले 15 वर्षों में जो 5 साल बहन मायावती की सरकार रही, उससे उत्तम कोई सरकार नहीं थी। जो नारा बहन मायावती ने दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, उस नारे को लेकर के नौतनवा में हम लोगों ने काम किया है। जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके राजनीतिक विकास की है, उसी नारे के साथ अब बहन मायावती जी का साथ मिला है। हम लोग निश्चित तौर बहन जी की सरकार बनाएंगे और नौतनवा से नौतनवा की जनता का आज स्वागत में उत्साह देख करके ये पूरा विश्वास है मुझे कि और अन्य प्रत्याशियों की जमानत जब्त करके यहाँ हाथी के बटन पर लोग चुनाव बटन दबाएंगे और हमें भारी मत। इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा सबसे बड़ी बात है कि नौजवानों को आप देखिए कि अभी कोविड कार्यकाल में बेचारों को कहाँ कहाँ से भाग के आना पड़ा, लाठी डंडे खाने पड़े। मेरा मानना है कि नौजवानों के लिए रोजगार उनके घर में होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात।